शहर के पालक मंत्री नितिन राउत के मार्गदर्शन में नागपुर पुलिस द्वारा आज भव्य साइक्लोथॉन का कार्यक्रम लिया गया। इस मौके पर तकरीबन शहर के 4000 साइकिल सवारों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आइए डालते एक नजर। शहर के पालक मंत्री नितिन राउत के मार्गदर्शन में नागपुर पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार के नेतृत्व में नागपुर पुलिस द्वारा साइक्लोथॉन आयोजित किया गया था। जनता और पुलिस में इस आयोजन से अच्छा समन्वय स्थापित होगा और शहर में शांति बनी रहेगी, ऐसी जानकारी इस मौके पर नागपुर के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार इन्होंने बीसीएन समक्ष दी है। इस साइक्लोथॉन आयोजन में शहर के तकरीबन 4000 नागरिक और पुलिस इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। नागपुर पुलिस द्वारा आयोजित साइक्लोथॉन है और आज काफी उत्साह में काफी संख्या में लोग यहाँ आए हैं। जैसा मैंने पहले बताया था, विमेन सेफ्टी, ट्रैफिक डिसिप्लिन और ओवरऑल कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इस साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया है। मुझे विश्वास है कि जनता और पुलिस में और ज्यादा समन्वय बढ़ेगा और ज्यादा एक बॉन्डिंग होगा और हम लोग मिल के शहर को और ज्यादा शांत कर पाएंगे। साइक्लोथॉन रैली है, रेस नहीं है, रैली है और करीब एक घंटे में खत्म होना चाहिए और उसके बाद यहाँ पे फिर से प्रोग्राम पार्टिसिपेशन है और माननीय पालक मंत्री की गाइडेंस में ये पूरा आयोजन किया गया है और जनरल पूरे शहर के लोगों ने पार्टिसिपेट किया। टोटल हमारे पास रजिस्ट्रेशन 4000 लोगों का आया था। एग्जैक्टली कितने लोग हैं नागपुर पुलिस द्वारा साइक्लोथॉन का यह उपक्रम काफी सराहनीय है क्योंकि आज जनता और पुलिस के बीच अच्छी बातचीत और समन्वय की बेहद जरूरत है। नागपुर पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार इनके इस आयोजन की शहरवासी काफी सराहना कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ संजय मीरे, बीसीएन न्यूज नागपुर।